नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, सनातन धर्म में व्यक्ति के जीवन से जुड़े कई नियम बताए गए हैं, जिनका पालन कर जीवन में होने वाले दुर्भाग्य से बचा जा सकता है। दोस्तों, ऐसे ही कई नियमों में स्नान करने अर्थात नहाने का भी नियम शामिल है। दोस्तों, पहले नहाने के लिए नदी या तालाब का इस्तेमाल किया जाता था और अब उनकी जगह बाथरूम में है। दोस्तों, ऐसे में कई लोग निर्वस्त होकर स्नान करना पसंद करते हैं, यानी कई महिलाएं बिल्कुल निर्वस्त होकर स्नान करना पसंद करती हैं, लेकिन श्री कृष्ण जी ने पद्म पुराण में इसे निषेध कहा है। दोस्तों, किसी भी महिला को किसी भी परिस्थिति में पूर्ण नग्न होकर स्नान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से महिला और उसका पूरा परिवार पाप का भागीदार बनता है। पद्म पुराण में इस संबंध में एक कथा बताई गई है। दोस्तों, एक बार गोपियां स्नान करने नदी में उतरी तो कान्हा जी यानी श्री कृष्ण ने उनके कपड़े छिपा दिए। गोपियां जब वस्त्र ढूंढने लगी तो उन्हें नहीं मिले। तब कान्हा जी ने कहा कि वस्त्र पेड़ पर हैं, आकर ले लो। दोस्तों, गोपियां बोली, जब वे स्नान करने आई थी तो यहां पर कोई नहीं था, अब वे बिना वस्त्रों के जल से बाहर कैसे आए। श्री कृष्ण ने बताया, ऐसा तुम्हें लगता है कि यहां कोई नहीं था, लेकिन मैं हर पल हर जगह मौजूद होता हूं। आसमान में उड़ते पक्षियों, जमीन पर चलने वालों जीवों और जल में मौजूद जीवों ने भी तुम्हें निर्वस्त देखा है। इतना ही नहीं, जल में नग्न होकर प्रवेश करने से जल रूप में मौजूद वरुण देव ने भी तुम्हें नग्न देखा है, यह उनका अपमान है। आपकी नग्नता आपको पाप का भोगी बनाती है। यही वजह है कि हमें एकदम निर्वस्त होकर स्नान नहीं करना चाहिए। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब आप स्नान कर रहे होते हैं तो रक्षक के रूप में आपके पितर आपके आसपास मौजूद होते हैं। वे आपके वस्त्रों से गिरने वाले जल को ग्रहण करते हैं, जिनसे उनकी तृप्ति होती है। निर्वस्त स्नान करने से पितर अपतृप्त होकर नाराज हो जाते हैं और इससे आपको पितर दोष भी लगता है, जिससे व्यक्ति का तेज बल धन और सुख नष्ट हो जाता है। इसलिए कभी भी औरत हो चाहे मर्द, बिल्कुल निर्वस्त होकर स्नान नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में इसे बिल्कुल गलत बताया गया है। तो दोस्तों, कहने का मतलब तो यही है कि औरत हो या मर्द, हमें बिल्कुल भी नग्न होकर स्नान नहीं करना चाहिए। अगर आप नग्न होकर स्नान करती हैं तो पाप के भागीदार तो बनती ही हैं, साथ ही आपके पूरे परिवार पर गरीबी और दरिद्रता का साया भी मंडराने लगता है। तो इसलिए आप नग्न होकर स्नान ना करें, इसी में ही आपकी भलाई है। तो आज का वीडियो इतना ही। उम्मीद करता हूं आज की जानकारी आपको पसंद जरूर आई होगी। चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप रहिए स्टे मोटिवेट, स्टे फियरलेस। जय हिंद।